रहमान रहीम आई एम फहीम आई रीड इन सेवन क्लास एट जी में सरदार थानमंद बनो एंड टुडे आई वांट टू एक्सप्लेन जिरंड। आज मैं आपको जिरंड एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जिरंड क्या है। व्हाट इज जिरंड? जिरंड इज दैट टाइप ऑफ अ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड पार्टली अ वर्ब एंड अ नाउन। ये जिरंड वर्ब की वो किस्म है जो आईएनजी पर ख़त्म हुआ हो और ये पार्टली वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। इट इज एंड एंड इन आईएनजी एंड पार्टली ए वर्ब एंड पार्टली ए नाउन। यह जिरंड आईएनजी पर ख़त्म होता है और यह पार्टली वर्ब होता है और पार्टली नाउन। यह वर्ब की सेंस भी देता है और नाउन की सेंस भी। फॉर एग्जांपल प्लेइंग इज हिज फेवरेट गेम। प्लेइंग इज हिज फेवरेट गेम। फेवरेट गेम इस जुमले में ये प्लेइंग जो है ना ये जिरंड है और ये जिरंड इसलिए है कि ये आईएनजी ये प्ले से बना हुआ है। प्ले वर्ब से बना हुआ है और इसलिए ये वर्ब की मानी देता है और जब हम उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो ये इससे सब्जेक्ट बन जाता है और एक जुमले में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये प्लेइंग जो है ना ये वर्ब भी है और नाउन भी है तो ये इसलिए जिरंड है। अब हम जिरंड की यूज की तरफ जाते हैं कि यह एक जुमले में वो बटर स्पीड में किस तरह इस्तेमाल होता है। ये एक जुमले में सब्जेक्ट भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन भी आता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल इज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन हंटिंग डियर इज हिज बेस्ट पास टाइम। इस जुमले में यह हंटिंग जो है ना यह एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है ना ये हम हंटिंग के बारे में बोलते हैं कि हंटिंग इज डियर इज हिज बेस्ट पास टाइम। तो यहाँ पे यह हंटिंग जिरंड है और एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। एज ऑब्जेक्ट एक एक ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट किससे इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आई लाइक स्पेंडिंग मनी। इस जुमले में ये लाइक जो है ना ये वर्ब है वर्ब और इस स्पेंडिंग जो है ना ये इसका ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले में ये जिरंड स्पेंडिंग जो है ना ये इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये क्या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल होता है? प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ही इज Fond of driving। इस जुमले में ये driving जो है ना ये जिरंड है और ये इस preposition of का object आया हुआ है। This is the end of my topic। Thanks।